رحم الله من قرأ الفاتحة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني ایک دفعہ مل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے وہ برادران جو نماز مکمل کر چکے ہیں وہ ان سے التماس کروں گا کہ تھوڑی صلوات کے ساتھ تھوڑی تھوڑی آپ حضرات آگے سمٹ آئیے منبر کے قریب آ جائیے تاکہ مجلس کو بہتر طریقے سے آپ کے ساتھ عرض کیا جا سکے صلوات بھیجئے اور کچھ آگے سمٹ آئیے آپ حضرات اذان محترم یہ مجالس عزا کا سلسلہ جو پہلی شہادت سے دوسری شہادت تک مسلسل منعقد ہو رہا ہے اور جس میں آپ حضرات کثیر تعداد میں شرکت فرما رہے ہیں یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے دلوں میں اس عظیم الشان شہزادی کے لیے کتنی محبت اور کتنی عقیدت پائی جاتی ہے اور کیوں نہ جناب سیدہ کی مجلسوں میں ہم اتنی کثیر تعداد میں شرکت کریں اس لیے کہ سید عالمیان کا عظیم حق ہم سب کی گردنوں پر ہے انشاءاللہ گفتگو آپ کے سامنے آئے گی اور ظاہر ہے کہ مسلسل بیانات آپ نے سماعت فرمائے ہیں اور انشاءاللہ یہ دوسری شہادت تک بھی آپ کے سامنے یہ مجالس عزا ہوتی رہیں گی اور آپ ان میں بھی اسی طرح سے شرکت فرماتے رہیں گے آئیے اس عظیم الشان شہزادی کی بارگاہ میں چلیں
कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस रूए जमीन पर एक अजीम ही नहीं बल्कि सबसे अजीम दर्जा और रुतबा अता किया है। मैं एक नतीजे तक आपको लेकर आना चाहता हूं जो मेरी इस गुफ्तगू के बाद आपके सामने आना चाहिए, लेकिन वो नतीजा मैं आज पहले ही दिन आपके सामने अर्ज किए दे रहा हूं। मेरी इस गुफ्तगू का नतीजा जो आज मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं वो ये है कि जनाब सैयदा अल्लाह के रसूल का जुज हैं तो किस माना में जुज हैं। दरवाके जनाब सैयदा अपने बाबा का तो जुज हैं, लेकिन वाकई तौर के ऊपर जनाब सैयदा जुज ए रिसालत हैं। तवज्जो है, जनाब सैयदा जुज ए रिसालत हैं। मुझे यही बात आपके सामने हर रोज अर्ज करनी है, दलीलें आपके सामने पेश करनी है कि जिन्हें आप हजरात भी महसूस फरमाएंगे। लेकिन एक सवाल शायद आपके जहन में यह पैदा हो रहा हो कि जब दलील गुफ्तगू हो रही है तो मैंने नतीजा क्यों पहले बयान कर दिया। मामूलन नतीजा बाद में आता है, दलील पहले बयान की जाती है। मैंने नतीजा क्यों पहले पेश कर दिया, उसकी एक वजह है दलीलों के बाद नतीजा तब दिया जाता है जब सामने वाले के अकीदे या उसके नजरिए को तब्दील करना हो। लेकिन जब पता है कि आपका अकीदा, आपका नजरिया, आपके तसव्वुरात, आपके एहसासात, आपके जज्बात जनाब सैयदा से मुताल्लिक इतने मुहकम हैं कि अब मजीद दलील की जरूरत नहीं है और दलीलों के बाद अकीदे में इजाफा नहीं होगा बल्कि इस अकीदे में एक रोशनी पैदा हो जाएगी। एक दफा मिलजुल के आप हजरत सलवात भेज दीजिए। तो अब आप मेरे साथ हैं इंशाल्लाह इन मजालिस अज़ा में, मैं आपके सामने अर्ज करूंगा कि जनाब सैयदा जुज ए रिसालत हैं। इसलिए मैं ये जुमला कह रहा हूं और तकरार भी करूंगा हर रोज कि बाज लोगों ने यह साबित करने की कोशिश की है कि जिस तरह से हर बाप के लिए बेटी उसके वजूद का एक हिस्सा होती है, उसी तरह से जनाब सैयदा भी अपने बाप की महबूब बेटी हैं। लिहाजा रिसालत माँ ने फरमाया है कि मेरा टुकड़ा है, यानी वो सारी फजीलतें, सारे मनसब, सारे दरजात, सारी अजमतें, वो सब एक तरफ गोया उनका इंकार कर दिया। बस एक बाप और बेटी की शफकत और मोहब्बत है कि जिसकी बिना पे रसूलुल्लाह ने फरमा दिया कि फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। मुझे यह साबित करना है कि जनाब सैयदा अपने वालिद का तो जुज हैं, अपने वालिद का तो टुकड़ा हैं, लेकिन इस हदीसे शरीफ में अल्लाह के रसूल ने जनाब सैयदा को अपने वजूद का हिस्सा नहीं रिसालत का जुज साबित किया है। तवज्जो फरमा रहे हैं आप, जनाब सैयदा रिसालत पैगंबर का हिस्सा हैं, जनाब सैयदा रिसालत पैगंबर का टुकड़ा हैं, जनाब सैयदा रिसालत पैगंबर का हिस्सा हैं। और फिर जब तक जनाब सैयदा के अकीदे को शामिल न कर लिया जाए तब तक रिसालत पैगंबर मुकम्मल नहीं हो सकती। बहुत बड़ा जुमला मैं कह रहा हूं, शायद आप मुतवज्जे नहीं हैं। जब तक जनाब सैयदा के अकीदे को शामिल न कर लिया जाए तब तक रिसालत पैगंबर का अकीदा मुकम्मल नहीं होगा। सिर्फ या रसूल अल्लाह कहने से रिसालत का अकीदा नहीं मिलता है जब तक कि या रसूल अल्लाह के साथ या फातिमा का जुमला भी ना कहा जाए। एक दफा मिलजुल के सलावत भेज दें आप। आइए मैं आपको लेके चलूं कि मैंने इतनी बड़ी बात जो आपके सामने कही तो उसकी वजह क्या है और क्यों मैंने इस तरह से अपनी गुफ्तगू का आगाज किया है। देखिए हकीकत है कि रिसालत मआब की सारे इंसानों के लिए जरूरी है
कि रिसालत माब की रिसालत का इकरार करें, और सिर्फ इकरार काफी नहीं है, यह मुकदमा इस पर तवज्जो दीजिएगा, इसलिए कि मुझे नतीजे तक इसी के जरिए से पहुंचना है। मैं मामूलन अपनी गुफ्तगू में अपनी असल बहस से बाहर नहीं जाता, मौजू से बाहर नहीं जाता, लेकिन यह मुकदमा थोड़ा सा आपको लगेगा कि शायद गुफ्तगू से अलग हो रहा है, लेकिन यह जरूरी मुकदमा है, सुनिए आप। अल्लाह ने कुरान मजीद में यह ऐलान किया है, सूरह अहज़ाब की 21वीं आयत शरीफा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी। ऐ पैगंबर, आप इन इंसानों से, इन मुसलमानों से यह कह दीजिए कि अगर तुम्हारे दिलों में अल्लाह की मोहब्बत है तो क्या करो, सबूत दो, दलील लेके आओ। यूं ही तो दावा काफी नहीं है, इंसान कहता फिर है कि हम मोहब्बत कर रहे हैं, काफी नहीं है, दलील चाहिए है। वो दलील क्या है? फत्तबिउनी, ऐ पैगंबर आप इन लोगों से कह दीजिए अल्लाह से मोहब्बत है तो मेरा इत्तेबा करो, मेरी पैरवी करो। तवज्जो फरमाई आपने, यानी इसके माना है, और कीजिएगा आप, इसके माना है जितनी रसूलुल्लाह की पैरवी होगी उतनी अल्लाह की मोहब्बत होगी, और अगर अल्लाह से मोहब्बत कम है तो रसूलुल्लाह की पैरवी में भी कमी होगी। ये दोनों जुड़े हुए हैं। लेकिन एक बात आप बताएं, ये बड़ी अजीब बात नहीं लग रही है आपको? सारी दुनिया का दस्तूर और मिजाज ये है कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी पैरवी करता है, यही तो है ना। आपकी हेयर स्टाइल का फुला की जैसी, क्यों? उनको पसंद करता हूं मैं। आपके मसलन चलने का अंदाज फुला के जैसा, क्यों? फुला को मैं लाइक करता हूं, है नहीं ऐसा। इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसको फॉलो करता है, जिसको लाइक करता है उसी के पीछे पीछे चलने की कोशिश करता है। तो अल्लाह भी बड़े आराम से ये कह सकता था, मेरे बंदो मुझसे मोहब्बत है मेरी पैरवी करो, मेरे बंदो मुझसे मोहब्बत है मेरा इत्तेबा करो, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं फरमाया। क्यों? कोई तो वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोहब्बत के लिए किसी की बात की है और पैरवी के लिए किसी और की बात की है। मोहब्बत अल्लाह से है, पैरवी रसूलुल्लाह की है, क्यों आखिर? एक वजह है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि कुरान मजीद ने अल्लाह से मुताल्लिक हुक्म न दिया हो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, कुरान मजीद कह रहा है अल्लाह की इताअत करो, रसूलुल्लाह की इताअत करो, और जिसे अल्लाह ने वली अम्र बनाया है उसकी इताअत करो। तो इताअत के लिए अल्लाह ने अपने लिए हुक्म दिया है, लेकिन इत्तेबा के मरहले में हुक्म नहीं दिया। वजह इन दो लफ्जों के तर्जमे में है। हम उर्दू जबान में यह समझते हैं कि इताअत और इत्तेबा, इताअत और पैरवी, ये दोनों एक हैं, जबकि एक नहीं है, दोनों में बहुत फर्क है। वो फर्क आप सुन लीजिए। मामूलन इताअत कहां पर इस्तेमाल किया जाता है? मैं किसी बच्चे से कहूं कि मियां जाइए दौड़ के पानी ले आइए, गए वो दौड़ के पानी लेके आए और आपकी खिदमत पे पेश कर दिया। ये जो बच्चा दौड़ कर गया ये आपके हुक्म की बिना पे गया है, खुद से तो नहीं गया है, ये जो आपके हुक्म के बाद अमल सामने आया ये इताअत कहलाता है। तवज्जो फरमाई। अब इसके मुकाबले में एक और लफ्ज है इत्तेबा, जिसको आप पैरवी भी कहते हैं, वो क्या है? माशाल्लाह से अभी आप सब नमाज पढ़ रहे थे, इमाम जमात ने नमाज शुरू की, पहला उनकी जबान पे कलमा आया अल्लाहु अकबर, उसके बाद आपने क्या किया? आप सबने भी अल्लाह अकबर कहा? नहीं कहा? कहा ना। क्या उन्होंने घूम के आपसे कहा था कि अल्लाह अकबर कहो तब आपने कहा? नहीं, उन्होंने कहा ही नहीं था आपसे कि तुम भी अल्लाह अकबर कहो, या कह दिया था। अच्छा ठीक है, आगे बढ़िए, रुकू की तरफ वो बढ़े, क्या उन्होंने घूम के कहा कि मैं जा रहा हूं रुकू में तुम सब भी आ जाओ? नहीं कहा, लेकिन आप सब रुकू में गए। वो सजदे की तरफ बढ़े,
सारा मजमा उनके पीछे पीछे सजदे की तरफ बढ़ा, यह कहलाता है इत्तेबा। अमल को देखकर अमल करना यह पैरवी है। जब बात आ गई तो यह भी अर्ज करता चलूं कि पैरवी के माना है कि अमल के बाद अमल करार पाए। तवज्जो है, अमल के बाद अमल होगा तो पैरवी कहलाएगा, लेकिन अमल से पहले अगर अमल हो जाए तो पैरवी है या नहीं है? नहीं है। हम लोग के साथ ही बहुत होता है, नमाज में है, मीटिंग में पहुंचना है, क्या बताएं आज, अब वो जल्दी जल्दी दिल चाह रहा है नमाज हो जाए, इमाम जमात रुकू में पहुंचे ना पहुंचे हम पहुंच जाएं, वो सजदे में पहुंचे ना पहुंचे हम पहुंच जाएं, वो अभी क्याम के लिए उठे नहीं हम खड़े हो गए, हम ये समझते हैं कि पीछे खड़े हो कि हम जल्दी करेंगे तो आज नमाज जल्दी खत्म हो जाएगी। नमाज तो अपने वक्त पे खत्म होगी, मेरे जल्दी करने से तो नमाज पे असर नहीं पड़ेगा, अलबत्ता मेरी जमात चली जाएगी, मैं जो नमाज पढ़ रहा हूं फिर वो जमात से बाहर आ गया मैं। इसलिए कि जमात में पैरवी जरूरी है, जमात में इत्तेबा होना चाहिए। इत्तेबा अमल के बाद अमल है, अमल से पहले नहीं है। तवज्जो फरमाइए आपने, यहां तक आप मेरे साथ है, जरा सा खुश्क गुफ्तगू हो गई, आइए मैं इसको और ज्यादा आपके लिए वाजे कर दूं ताकि बात बिल्कुल क्लियर हो जाए। अल्लाह ने इताअत का तो हुक्म दिया कि अल्लाह की इताअत करो, लेकिन पैरवी के लिए अपने लिए हुक्म नहीं दिया कि अल्लाह की पैरवी करो। वजह क्या है? आप मुतवज्जे हो गए, वजह यह है कि इताअत के मरहले में अल्लाह हुक्म देता है और बंदा उसके मुताबिक करता है, लेकिन पैरवी के मरहले में पहले अमल होना चाहिए फिर बंदे अमल करे, और जाते परवरदिगार के वहां अमल की गुंजाइश नहीं है। नतीजा यह है कि अल्लाह पैरवी के मरहले में हुक्म नहीं देगा, बल्कि अब जाते परवरदिगार ने किसी ऐसी मुकद्दस और मोहतरम जात को मकाम इत्तेबा में करार दिया कि अब अगर तुम्हें इत्तेबा करना है इनकी पैरवी करो, इनका इत्तेबा करो, तुम्हारे दिलों में अल्लाह की मोहब्बत साबित हो जाएगी। मुतवज्जे हुए? ये असल मेयार है। यहां तक आप मेरे साथ आ गए, आइए मैं आपको जिस बात की तरफ लेके आना चाह रहा था उस बात को भी आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। अल्लाह के रसूल का अमल देख के अमल कीजिएगा तो साबित होगा कि अल्लाह से मोहब्बत है। ठीक, इसमें अमल को देखना जरूरी है, हां सुनना काफी नहीं है। किसी ने आके बता दिया हमने सुन लिया, ये इत्तेबा और पैरवी नहीं है, अमल को देखना जरूरी है। किसी ने कहीं पे लिख दिया हमने पढ़ लिया, तवज्जो है, इसलिए कि एक और नतीजे तक देखे जाना है। कहीं किसी ने लिख दिया तो अगर लिखा हुआ हमने पढ़ा और उसके मुताबिक किया, यह इताअत है, यह इत्तेबा और पैरवी नहीं है। अब आप इंसाफ से बताइए, सन 11 हिजरी में अल्लाह के रसूल दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं, और अब अगर किसी को अल्लाह से मोहब्बत का सबूत देना है तो क्या करेगा? क्या उसके कोई रास्ता ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। इसलिए कि जिसकी पैरवी करनी थी वो चले गए, जिनके अमल को देखकर अमल करना था वो जात दुनिया से जा रही है। अल्लाह से पूछा जाए कि खुदारा क्या सन 11 हिजरी के बाद कुरान से इस आयत को हटा दे कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी, कि अगर अल्लाह से मोहब्बत है तो रसूलुल्लाह की पैरवी करो, कुरान से हटा दे, पढ़ना छोड़ दे। हम क्या करें? इसलिए कि हमारे पास अल्लाह तेरी मोहब्बत के लिए सबूत कुछ रही नहीं गया, जिसके अमल को देख के अमल करना था वो रसूल दुनिया से जा रहे हैं, जिनके अमल को मेयार बनाया था वो अल्लाह का नुमाइंदा सन 11 हिजरी में दुनिया से जा रहा है। मेरे परवरदिगार अब क्या किया जाए? सारी उम्मत खामोश है, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सारी उम्मत के पास चले जाइए, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। अब मुतवज्जे हो साहिबाने मिला, बस
एक कौम है जो ये कह रही है कि सन 11 हिजरी के बाद भी हम इत्तिबाए रसूल करके अल्लाह की मोहब्बत का सबूत दे रहे हैं। बकिया पूछेंगे भाई कैसे तुम कर रहे हो, इसलिए कि लिखा हुआ अगर तुम देख के करोगे तो वह इत्तिबा और पैरवी नहीं है, सुनकर करोगे तो वह इत्तिबा और पैरवी नहीं है। हमारे पास एक हदीस है कि जिस हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया अव्वलुना मोहम्मद आखिरुना मोहम्मद वाउसतुना मोहम्मद वकुल्लुना मोहम्मद, ये रसूलुल्लाह क्यों फरमा रहे हैं? बस ये बताना चाह रहे हैं अय उम्मतियों पहचानो अल्लाह ने एक नहीं 14 मोहम्मद भेजे हैं, सलावत बेटे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तवज्जे है या नहीं है? एक एक जात दुनिया से जाएगी तो अब जो अगली जात आएगी वो हूबहू पैगंबर हैं, कोई फर्क नहीं है। इनके अमल को देख के अमल अंजाम दो, ये पैरवी पैगंबर है, ये इत्तबाए रसूल है। और इसीलिए आप गौर कीजिए सारी उम्मत इस आयत पे कैसे अमल करेगी, इसलिए कि उनके जितने भी बुजुर्गान हो किसी एक के बारे में ये नहीं कहते कि वो पैगंबर के हू बहू हैं, है नहीं तवज्जो। और यहां 12 हैं लेकिन एक हैं। मैं एक बात अर्ज करूं, बात आ गई, अगर जरा सा मैं अपनी बहस से बाहर जाऊंगा लेकिन मैं फिर भी इस बात को पेश कर दूं ताकि जहन मुतवज्जे हो जाए, आज मुकदमाती बहस है। देखिए तवज्जो दीजिएगा, एक कानून है एक उसूल है कि जिसको आप कबूल करते हैं या नहीं आप बताइए, मैं आपके सामने अर्ज किए देता हूं। कानून यह है कि तादाद बढ़ती है तो इख्तलाफ बढ़ता है, यह कानून है। एक्सेप्टेबल है या नहीं? नहीं। अच्छा मैं मिसाल दिए देता हूं, बच्चे घर में जब जिस मौके के ऊपर पहला बच्चा दुनिया में आता है, घर का राजा होता है या नहीं होता? जो कह दिया, रात को 1:30 बजे कह दिया, मैं यहां की तो नहीं मिसाल दे पाऊंगा लेकिन बॉम्बे की मिसाल, रात को 1:30 बजे कह दिया चाइनीज खाना है। अब वो डैडी ने बाइक निकाली और गए और बाजार से ढूंढ के जहां कहीं दुकान खुली थी लेके आए, क्यों? बच्चे ने कह दिया है, उसकी तमन्ना है, ख्वाहिश है, वो अकेला घर का राजा है, जो चाहे करे, जो चाहे खाए, जहां चाहे बैठे, जो चाहे डिमांड करे, बिल्कुल मुतलकुल इनान बादशाह। लेकिन दुआओं का असर हुआ कि कुछ दिनों बाद इनकी तौहीद में भी शिर्क आ गया। अब एक और साहबजादे आ गए, अब जो दूसरे साहबजादे, अच्छा ये अजीब मिजाज अल्लाह ने रखा है बच्चों का, कुछ भी हो जाए जो उन्होंने कहा है ये दूसरा अपोजिट में कहेगा। मां ने पूछा बेटा क्या खाना है, पहले ने कहा कि आज खिचड़ी खाएंगे, खिचड़ी और कढ़ी खाएंगे, दूसरे तुम्हें क्या खाना है, आज कबाब रोटी खाएंगे। ये मिजाज होता है नहीं, टकराव है नहीं, तादाद बढ़ी इख्तलाफ आया। कुछ दिनों के बाद एक तीसरे साहबजादे भी आ गए, अब तो लीजिए घर में जलवे हैं, अगर उनको बस चिकन बिरयानी खानी है, इनको कबाब रोटी खानी है, तो तीसरे को आज तो बस दाल ही खानी है, लेकिन तीसरा खाना खाएंगे, वो दो में से कोई चूज नहीं करेंगे। और बेचारी मां है जो घर में अपने 3 चूल्हों के ऊपर आग जलाए हुए खाना बना रही है, ये भी अजीब इंतजाम है, ये जलाने वाले चूल्हे भी 3 ही होते हैं, अगर समझ गए हो तो सलवात भी भेज दीजिए। अब ये 3 खाने चढ़े हुए हैं, क्यों? इसलिए कि घर में 3 बच्चे हैं, तादाद बढ़ी इख्तलाफ बढ़ा। वो कहां गए बिरादर जिन्होंने ना कहा था, मानते हैं नहीं मानते हैं, तादाद बढ़ती इख्तलाफ होता है, ठीक है ये कानून है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूरी तवज्जो रहे, कि नंबर के हिसाब से तादाद के हिसाब से 4 की अदद ज्यादा है या 12 की अदद ज्यादा है?
कौन ज्यादा है, चार या बारह? बारह। इख्तलाफ कहां ज्यादा होना चाहिए? बारह में। बिल्कुल नेचुरल सी बात है। कानून क्या है? तादाद बढ़ती है तो इख्तलाफ बढ़ता है। लेकिन ये अजीब सूरत हाल है, वो चार हैं फिर भी मुसल्ले चार हैं, ये बारह है मुसल्ला एक है, है नहीं? जो पहले ने नमाज पढ़ी वही आखिरी ने नमाज पढ़ी, जिस वक्त पहले ने रोजा खोला उसी वक्त आठवें ने रोजा खोला, जिस तरह से हज पहले ने किया उसी तरह से पांचवें ने हज किया, यहां सब कुछ एक। और वहां किसी ने कहा कि सजदे में दोनों आंख बंद करो, किसी ने कहा सजदे में दोनों आंख खोलो, किसी ने कहा कि एक आंख खोलो एक आंख बंद करो, ये अजीब मुश्किल है नहीं? वहां सारे इख्तलाफात। खुदारा कानून तो टूट रहा है। कानून कहता है कि जहां तादाद बढ़ती है इख्तलाफ बढ़ता है, चार के मुकाबले बारह की तादाद ज्यादा है, फिर तो इख्तलाफ बारह में ज्यादा होना चाहिए, लेकिन बारह होने के बावजूद वो एक है, ये चार कम होने के बावजूद चार है। वजह क्या है? शायद आवाज आए, नादान मैं यही तो तुम्हें बताना चाह रहा हूं, चार में और बारह में फर्क है। चार वो है जिन्हें तुमने बनाया है, बारह वो है जिन्हें हमने भेजा है। सलावत बेटे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तवज्जो फरमाइए आपने, अल्लाह जब भेजता है तो कोई इख्तलाफ नहीं। और बारह तो बारह, एक लाख चौबीस हजार हैं। बता दीजिए किसी ने कोई जुमला ऐसा कहा हो जो अगली आने वाली नबूवत के खिलाफ हो जाए। क्यों? अल्लाह की बारगाह से आए हैं और इसी पर हमें नाज है, इस बात पर हमें फख्र है कि हमने जिन शख्सियतों की पैरवी की है उनके वहां कोई इख्तलाफ की गुंजाइश नहीं है। और अब सुनिए आप, ये जिस अजीम शान जात का मैं तस्करा कर रहा हूं वो इसीलिए जुज़ रिसालत है कि उनके अमल और रसूलुल्लाह के अमल में कोई इख्तलाफ नहीं है। सुने मैंने ये जुमला क्यों कहा? आइए फिर से वापस चले जहां पर गुफ्तगू रुकी थी। क्या गुफ्तगू थी? 11 हिजरी के बाद हम रसूलुल्लाह की पैरवी कर सकते हैं, बकिया उम्मत नहीं कर सकती, यही तो बात थी ना। आइए आगे बढ़े, जरा सा पीछे आ जाइए। अब यहां से पूरी तवज्जो मेरे साथ रहे। सन 11 हिजरी में अल्लाह के रसूल दुनिया से रुखसत हुए हैं। मैं अपने मौजू पे आ गया आपको लेके। आइए 11 से पहले मदीने चले। हमें सआदत मिल गई, हम खुश नसीब थे कि हमें भावनगर के बजाय अल्लाह के रसूल के मदीने में रहने का मौका मिल गया। अब तो पैरवी करना आसान हो गया ना, सारी उम्मत पैरवी करेगी रसूलुल्लाह की, हम भी करेंगे और जिस्म जान सब निसावर कर देंगे। क्या रौनक रही होगी मदीने की, सोचिए आप, अल्लाह का रसूल मदीने में मौजूद, साहिब शरीयत रसूल मौजूद, उनका एक एक अमल उम्मत देख रही है। देखिए उम्मत रसूलुल्लाह की जिंदगी में भी पूरी तरह से रसूलुल्लाह की पैरवी करना तो दूर की बात कर नहीं सकती। क्यों कह रहा हूं सुनिए आप। अल्लाह के रसूल दोपहर का वक्त है, अपने बैतु शरफ से निकले, सारी उम्मत इत्तबाए पैगंबर में अपने अपने घरों से निकल पड़ी। रसूल मस्जिद में तशरीफ लाए, रसूलुल्लाह ने वजू फरमाया, सारी उम्मत ने इत्तबाए रसूल में वजू किया, इसलिए कि रसूलुल्लाह का इत्तबा करना है। हुजूर अकरम मुसल्ले पे आए, सारी उम्मत ने सफ बना ली, रसूलुल्लाह ने जोहर की नमाज पढ़ी, सारी उम्मत ने नमाज पढ़ी भी सीख भी ली। इत्तबाए रसूल का तकाजा है कि आप जब कभी जोहर की नमाज पढ़नी हो तो इसी तरह पढ़ना है। असर की नमाज पढ़ी, देखिए कोई इख्तलाफ की बात नहीं कर रहा, सारी उम्मत मुत्तफिक है जो मैं कह रहा हूं। असर की नमाज पढ़ी, सारी उम्मत ने रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ के नमाज सीख ली। इत्तबाए रसूल ये है, जब भी असर की नमाज पढ़ेंगे इसी तरह पढ़ी जाएगी। ठीक,
हुजूर अकरम घर वापस आ गए, उम्मत भी मस्जिद से निकल के अपने अपने काम में मसरूफ हो गई। शाम को सूरज डूबा और अब हुजूर अकरम मस्जिद से मस्जिद के लिए घर से निकले, सारी उम्मत भी पीछे पीछे आ गई। मस्जिद तशरीफ लाए, उम्मत मस्जिद आ गई, वजू फरमाया, उम्मत ने वजू कर लिया, मुसल्ले पे आए, उम्मत भी आके सफ में खड़ी हो गई। अब जैसे ही पूरी तवज्जो रहे, जैसे ही अल्लाह के रसूल ने अल्लाह अकबर कहा, उम्मत दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, उम्मत बट गई। क्यों? इसलिए कि इस उम्मत में सिर्फ मर्द नहीं है, इस उम्मत में खवातीन भी हैं, हैं नहीं, स्त्रियां भी तो हैं। वो क्या करें? मगरिब की नमाज क्या रसूलुल्लाह की तरह से ये खवातीन बुलंद आवाज से पढ़ सकती हैं? पढ़ नहीं सकती, नहीं पढ़ सकती, अल्लाह का हुक्म है, उन्हें मजमे में आहिस्ता नमाज पढ़नी है। अब क्या करेंगी ये औरतें? इत्तबाए रसूल उन्हें चीख चीख के बुला रहा है कि तुम आओ बुलंद आवाज से नमाज पढ़ो, हुक्म परवरदिगार उन्हें कह रहा है कि तुम आहिस्ता नमाज पढ़ो। अब ये औरतें क्या करेंगी? दोनों सूरत में मुश्किल में आई, बुलंद आवाज से नमाज पढ़ ली अल्लाह नाराज, आहिस्ता नमाज पढ़ ली रसूलुल्लाह नाराज। इसलिए कि इन औरतों को कैसे नमाज पढ़, मुश्किल में आ गई नहीं आ गई औरतें? सारी उम्मत मुत्तफिक है इस मसले में, कोई इख्तलाफ नहीं है, सबके वहां मगरिब की नमाज को आहिस्ता खवातीन को पढ़ना है। अब बताइए ये उम्मत की औरतें क्या करें? इत्तबाए रसूल करते हुए अल्लाह को नाराज करें या इताअत परवरदिगार करते हुए रसूलुल्लाह को नाराज करें? दोनों सूरत में मुश्किल है इस उम्मत की औरतें। या तो फिर नमाज छोड़ दे फिर भी अल्लाह नाराज, नमाज पढ़े तो दो में से कोई एक नाराज, या रसूलुल्लाह नाराज या अल्लाह नाराज। इस उम्मत की औरतों के लिए तो अजीब मुश्किल है। कभी कभी होता है ना, इंसान चौराहे पे आके इस तरह से खड़ा है कि ना पीछे जा सकता है ना आगे जा सकता है। क्या करे? इस उम्मत की औरतों की क्या जिम्मेदारी है? सारी उम्मत खामोश, किसी के पास कोई जवाब नहीं। लेकिन हां, शरीयत कहती है इन औरतों को अपने इत्तबाए रसूल में अल्लाह की मोहब्बत को साबित करते हुए अपनी नमाज के लिए किसी ऐसी जात को ढूंढना होगा कि जिस जात की नमाज नमाज पैगंबर हो, जिसका कौल कौल पैगंबर हो, जिसका अमल अमल पैगंबर हो। सारी उम्मत में तलाश कर लीजिए, कोई एक भी ऐसी खातून नहीं मिलेगी जिसके अमल का इतना एतबार हो कि वो अमल अमल पैगंबर बन जाए। बस एक मुअज्जमा है, बस एक खातून है कि जिनके लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फातिमा तो बज़ातुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। ये जुज़े रिसालत है, जब तक इसकी सीरत को शामिल न कर लिया जाए सीरत पैगंबर मुकम्मल नहीं हो सकती है। मिलजुल के सलावात भेज दीजिए, मुतवज्जे हुए सीरत सैयदा कितनी जरूरी है। सीरत पैगंबर मुकम्मल नहीं हो सकती है, और यह सिर्फ सीरत पैगंबर के मुकम्मल करने के लिए खवातीन ही को जनाबे सैयदा के पीछे नहीं चलना है। यह बात आएगी इंशाल्लाह। मर्दों की भी जिम्मेदारी है कि बास ऐसे उमूर हैं जिनमें जनाबे सैयदा की सीरत को इख्तियार करना होगा, नहीं मुकम्मल हो सकती सीरत। जब तक जनाबे सैयदा की सीरत शामिल ना हो जाए, उस वक्त तक जनाबे रिसालत माप की सीरत इस उम्मत के लिए मुकम्मल नहीं है। सीरत पैगंबर का एक हिस्सा सीरत सैयदा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सैयदा जुज ए रिसालत है। ये अपने वालिद का टुकड़ा वो तो है, सैयदा जुज ए रिसालत, और किसी को यह दर्जा नहीं मिला है। जितनी मोहतरम खातून आलम इस्लाम की आप तलाश कर लीजिए, हो सकता है मोहतरम हो लेकिन जुज ए रिसालत नहीं है वो, कितना भी बड़ा दर्जा उसके पास हो। और इसीलिए
मैं अर्ज करूं आपकी खिदमत में, हमारे पड़ोसी मुल्क के एक साहब के जिनके नाम से पहले भी इत्तेफाक से डॉक्टर लगा हुआ है, कोई यहां पे डॉक्टर तो मुझसे नाराज ना हो, न जाने ये क्या मुश्किल है। इस्लाम के अंदर दखालत करने वाले और भटकने वाले अफराद मामूलन उनके नाम से पहले डॉक्टर लगा हुआ है। एक हमारे बॉम्बे के भी डॉक्टर थे कि जिन्होंने यजीद की तारीफ की, आज नतीजा यह है कि अपने मुल्क में मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गए। मुतवज्जे हैं या नहीं है? आप लोग थोड़ा तो रिस्पांस दीजिए भाई, मिलजुल के सलावात भेज दीजिए। हम लोगों के पास कोई और जरिया नहीं होता, आपके चेहरों से पता चलता है कि मेरी बात समझ में आ गई है, तो कुछ तो अपने एहसासात को आप जाहिर कर दिया कीजिए। मैं अर्ज कर रहा था कि उन्होंने तारीफ की थी यजीद की, रजी अल्लाह कहा था, आज हिंदुस्तान वापस भी नहीं आ सकते। जो इमाम हुसैन से टकराता है फिर वह अपने मुल्क में भी नहीं रह पाता है। यही पड़ोसी मुल्क में एक डॉक्टर, मैं नाम नहीं लेना चाहता मिंबर से, ऐसे नामाकूल अफराद का नाम लेने से मैं गुरेज करता हूं, ऐसे नाखलफ अफराद, उसने अमीरुल मोमिनीन की जात पे हमला किया था। शायद आप हजरात को नाम पता हो, पूरा वाकई पता हो, मैं नाम नहीं लूंगा, जिसको नहीं समझ में आए बाद में मुझसे पूछ लेगा। ये एक किताब में उन्होंने लिखा है कि मैं जब ईरान गया था तो मैंने ईरान के सारे उलमा, सारे मुजतहदीन, सारे मराजे शियों के उनसे मिलकर एक मशवरा दिया था और सब ने रिजेक्ट कर दिया था। मशवरा क्या था सुन लीजिए, और क्या कह के रिजेक्ट किया था फिर वो सुन लीजिए, खुद इसने कमबख्त ने नहीं बयान किया है। इन्होंने मशवरा यह दिया, बड़ी समाल के लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं जो आप मुतवज्जे हो जाएंगे इंशाल्लाह। इन्होंने ये लिखा है कि मैंने ईरान में सारे मुज्तहिदीन से ये बात कही, सारे उलमा से, बुजुर्गान से ये बात कही। अब यहां से तवज्जो दीजिएगा, एक खातून है जिनको आप लोग बहुत मानते हैं शिया, और एक लेडी है जिनको हम लोग बहुत मानते हैं। आप समझ गए, हम आपके साथ जमा नहीं हो पाते इसलिए जिन्हें हम मानते हैं आप हमारे साथ आके नहीं बैठते, और आप जिनको मानते हैं उनके मसले में भी हम लोग आपके साथ नहीं आ पाते हैं। तो क्या किया जाए? एक तरीका है, आप जिसको मानते हैं उस खातून को आप छोड़ दें, और जिस लेडी को हम मानते हैं उन्हें हम छोड़ दें, और एक तीसरी शख्सियत के ऊपर हम लोग समझौता कर लें। जनाब खदीजतुल कुबरा, आप भी मानिए हम भी माने, नतीजा यह होगा कि हम लोग में इत्तेहाद पैदा हो जाएगा। उन्होंने लिखा है कि ईरान में सब ने इसका इसको ठुकरा दिया, किसी ने कबूल नहीं किया। असल जवाब दिया था मेरे उस्ताद आयतुल्लाह मिश्कीनी, अली मिश्कीनी अली रहमत व रिजान, बड़े अच्छे और बड़े पुख्ता उसूल के उस्ताद थे। दरसे अखलाक भी बहुत मशहूर उनका, उनकी किताब तहरीरुल माली में, जो हौजात इल्मिया में, अगर कोई हौजे से मुतालिक कोई तालिब इल्म हो यहां पर तो हौजा इल्मिया में तहरीरुल माली उनकी ये उसूल की किताब है, कि जो मालिमुल उसूल का मुकदमा ये पढ़ाई जाती है, बड़ी कीमती किताब समझी जाती है। बड़े पुख्ता उस्ताद थे आयतुल्लाह उस्मा सैयद अबुल कासिम खुई अलैहि रहमत व रिजवान के शागिर्द थे, और अभी इंतकाल हुए कुछ ही अरसा कबल इनका, और बड़े अच्छे उस्तादों में समझे जाते थे। जब सब बैठे थे और उनके दरमियान इस नामाकूल इंसान ने नामाकूल राय दी थी, मैं नामाकूल क्यों कह रहा, अभी जवाब सुनेंगे समझ में आ जाएगा। जब ये नामाकूल राय दी थी तो आयतुल्लाह मिश्कीनी ने जवाब दिया था। अब यहां से पूरी तवज्जो के साथ मेरी बात सुनिएगा और मुतवज्जे हो जाइएगा तो हमको मुतवज्जे भी करा दीजिएगा। आयतुल्लाह मिश्कीनी ने कहा कि हम ये काम नहीं कर सकते, आप ये कह रहे हैं कि अपनी लेडी अपनी खातून को आप छोड़ देंगे, हम अपनी मुअज्जज खातून को छोड़ दें और जनाब खदिया के ऊपर इत्तेहाद कर लिया जाए, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। और उसकी वजह यह है, अब यहां से पूरी तवज्जो रहे मेरे, एक एक लफ्ज में तवज्जो दीजिएगा, आयतुल्लाह मिश्कीनी का जवाब, उन्होंने कहा था उसकी वजह यह है कि जनाब खदीजा आपको तब तक मिलेगी नहीं जब तक कि अपनी वाली को छोड़ेंगे नहीं। मुतवज्जे हैं? लेकिन हमारे साथ बरक्स है, अगर हमने जनाब सैयदा को छोड़ दिया तो फिर जनाब खदीजा भी नहीं मिलने वाली है।
صلوات بیت محمد و آل محمد پہ. جناب سیدہ کی ذات کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ اسلام کو ہم قبول کر لیں. آپ جس کو چاہیے چھوڑ دیجئے, ہم نہیں چھوڑ سکتے. ہم جناب سیدہ کو اگر چھوڑ دیں گے تو ہمارے پاس کیا بچے گا, آپ بتائیے. اور یہ واقعاً اللہ رب العزت کی طرف سے یہ مجالس عزا جو ایام شہادت سیدہ میں منعقد ہوتی ہیں, یہ مجلسیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں. سنیں گے آپ آیت اللہ بہجت کا جملہ, ان کا ایک عجیب جملہ ہے اس سلسلے میں. مجھے خود واقعاً احساس ہوا کہ کتنا قیمتی جملہ ہے. مرحوم اللہ کی رحمتیں نازل ہوں, ان کا یہ جملہ ہے. انہوں نے کہا کہ محرم میں بھی مجلسیں ہوتی ہیں اور ایام شہادت سیدہ میں بھی مجلسیں ہوتی ہیں, لیکن ان دونوں میں ایک بنیادی فرق ہے. وہ بنیادی فرق یہ ہے کہ محرم میں ہونے والی مجلسیں تولا ہیں, لیکن سیدہ کی مجلسیں تولا بھی ہیں تبرا بھی ہیں. اور یہ حقیقت ہے. آپ حضرات تو بہرحال ظاہر ہے کہ الحمدللہ اللہ نے آپ سب کو بہت بڑی نعمت دی ہے کہ آپ ایسے گھرانے میں آنکھ کھول رہے ہیں کہ جس گھرانے میں حقیقتیں آپ کو بتائی گئی ہیں, ورنہ آپ کو تعجب ہوگا. میں تو چونکہ اٹیچ ہوں اس لیے مجھے پتا ہے. یہی ون ٹی وی کے اوپر جب یہ پروگرام آنے شروع ہوئے 3 سال سے, جناب سیدہ کے فدق سے متعلق کتنے میسج آئے ہیں, اپنوں کے نہیں ہاں, غیروں کے, نہ جانے کتنوں کے میسج آئے ہیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ فدق کیا ہے, ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ جناب سیدہ کا یہ حق تھا یا نہیں تھا. یہ بات غیر کہہ رہی ہیں. یہ مجالس عزا, یہ ایام عزا سیدہ, یہ ایام شہادت سیدہ, ان مجلسوں کا, ان جناب سیدہ کے تذکروں کا ایک اثر یہ ہے کہ آج اتنا وقت گزرنے کے بعد دنیا کو حقیقت پتا چل رہی ہے. اور یہ حقیقت ہے, جسے پتا چل جاتا ہے کہ فدق سیدہ کا حق تھا, وہ غاصبین فدق پہ لعنت کیے بغیر سکون سے نہیں بیٹھتا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ تبلیغ کر رہی ہیں, آپ پیغام پہنچا رہی ہیں, ٹھیک ہے مجبوریاں ہیں, ہم نام نہیں لے پاتے, لیکن یقین جانیے اگر یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہا تو بہتوں سے اسلام کی نقاب اتر جائے گی اور پتہ چل جائے گا کہ کتنے منافقین تھے کہ جنہوں نے ابتدائے اسلام ہی میں اسلام کو تباہ کرنے کی پوری سازش کر لی تھی. ان مجالس عزا کو اہمیت دیجئے. اور میری گفتگو انشاءاللہ جناب سیدہ جزء رسالت ہیں, وہ انشاءاللہ کل اور مزید دلیلیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. آج یہ پہلی دلیل میں نے عرض کی ہے. حقیقت یہ ہے کہ جناب سیدہ کے بغیر اسلام نامکمل ہے, اور ہمیں وہ اسلام نہیں چاہیے جس میں سیدہ کے بغیر عقیدہ قائم کیا جائے. اللہ نے جناب سیدہ کے عقیدے کو مرکزی عقیدہ قرار دیا ہے. کل آئے گی گفتگو انشاءاللہ. اور اسی لیے سب سے زیادہ جس مصیبت پر اہل بیت اطہار نے ماتم کیا ہے وہ جناب سیدہ کی مصیبت ہے. سنیں گے آپ. ہمارے 8ویں امام, امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام, مولا جب اسی مدینہ طیبہ سے مشہد مقدس کے لیے سفر پہ نکلے تو آپ واقف ہیں کہ آپ کے بیٹے یعنی نوے امام کی ولادت تب ہوئی ہے جب ہمارے 8ویں امام کی عمر مبارک 40 سال سے زیادہ ہو چکی تھی. اور جب 8ویں امام نے مشہد کا, خراسان کا سفر شروع کیا ہے, اس موقع پہ ہمارے نوے امام کی کل عمر 3 سال کی تھی بس. اور یہ واقعہ اس زمانے کا ہے کہ جب امام مدینے میں تھے اور آپ کے یہ صاحبزادے بھی یعنی نوے امام بھی مدینے میں موجود ہیں. یعنی یہ واقعہ نوے امام کے 3 سال کی عمر سے پہلے کا ہے. اب آپ ذرا تصور کریں 3 سال کے صاحبزادے کتنی کم سنی ہے.
कितनी कम उम्र है, कितने कम उम्र है, इसके बावजूद क्या मोहब्बत है जनाब सैयदा से। जिस मौके के ऊपर हमारे आठवें इमाम अपने बैतुल शरफ में वापस पलटे, आपने देखा कि आपके साहबजादे यानी नवे इमाम 3 साल से कम उम्र सहन खाना में बैठे हैं। गुस्से का आलम यह है कि पेशानी पे बल हैं, दर्द का आलम यह है, कभी कभी इंसान का दर्द और गुस्सा दोनों एक साथ जमा होते हैं। दर्द का आलम यह है, आंखों से अश्क रवाना है, मुट्ठियां भिजी हुई हैं, हाथ जमीन पे मार रहे हैं और एक अजीब कैफियत है। आठवें इमाम तशरीफ लाए, आने के बाद अपने साहबजादे के बगल दो जानू होकर बैठे, अपने साहबजादे को अपने जानू पे बिठाया, सर पे हाथ फेरना शुरू किया। बेटा क्यों इतना गुस्सा, बेटा क्यों इतनी ज्यादा तुम्हारे अंदर दर्द है, क्या वजह है? सुनेंगे आप, फरमाते बाबा मैं मदीने की जमीन से बात कर रहा हूं और बस मैं इस जमीन से इतना पूछ रहा हूं कि ए अर्ज मदीना मुझे इतना बता दो कि मेरी दादी का कसूर क्या था। मुझे बता दो कि मेरी दादी का कसूर क्या, खता क्या थी कि मेरी दादी के ऊपर दरवाजा गिराया गया, मेरी दादी का पहलू शिकस्ता किया गया, मेरी दादी के मोहसिन को कत्ल कर दिया गया, मेरी दादी को दरबार में बुलाया गया, मेरी दादी से गवाह तलब, मेरी दादी का कसूर क्या था? इमाम ने सर पे हाथ फेरना शुरू किया। अजादारों सुने, आठवें इमाम अपने बेटे को समझा रहे हैं और वो छोटे से नवे इमाम अपनी दादी को याद करके गिरिया कर रहे हैं। मैं दस्ते अदब को जोड़ के कहूंगा, आका आपने सिर्फ जिक्र किया है लेकिन जरा मदीने में आके उन दो शहजादों से कोई पूछे जिनकी निगाहों के सामने मां पे जुल्म हो रहा था और ये बच्चे देख रहे थे मां के गोशवारे जब सहन खाना में गिरे हैं। तारीख ने लिखा है इमाम हसन वहीं पे खड़े हुए थे जहां पे मां के गोशवारे गिरे थे, वो जुल्म भी देख रहे थे, कैसे तड़प के अपनी मां की मदद करनी चाहिए होगी। एक जुमला कहने को दिल चाहता है, शायद आप हजरात ने भी देखा होगा, यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, पिछले साल की वो वीडियो है जब यही मीर हसन मीर जनाब सैयदा के मरसिए का नौहा पढ़ रहे थे और नौहा पढ़ते पढ़ते अचानक वो जुमला कहा कि सैयदा के चेहरे पे तमाचे पड़े। ये कहते हुए उन्होंने दोनों हाथ से अपने, ये वीडियो मौजूद है, अपने चेहरे पे तमाचा मारना शुरू किया। आप उस वीडियो में देखिए, 4 साल और 5 साल के उनके दोनों बेटे दौड़ते हुए आए और रोते हुए बाप का हाथ पकड़ लिया कि कहीं ज्यादा चोट न लग जाए। हां औलाद मां बाप को तकलीफ में देखे बर्दाश्त नहीं कर पाती है। आए मदीना इमाम हसन और इमाम हुसैन अपनी मां को इन मुसीबतों में घिरा हुआ कैसे देख रहे होंगे। यही वजह है मक्तल की लफ्ज़े है शहादत सैयदा के बाद। आज मसाइब का एक जुमला सुन लीजिए, बकिया मसाइब कल पढ़ूंगा। शहादत सैयदा के बाद कुछ दिन गुजर गए थे, इमाम हसन और इमाम हुसैन ये 7 साल और 6 साल के शहजादे हैं, अपने बैतुल शरफ से निकले हैं, किसी काम से जा रहे हैं। इमाम हसन आगे आगे चल रहे थे, इमाम हुसैन पीछे पीछे चल रहे थे। अचानक इमाम हसन ने चेहरा घुमाया और अपने भाई हुसैन की तरफ रुख करके खड़े हो गए। इमाम हुसैन ने पूछा, भैया आपको तो आगे जाना था, ये आप ठहर क्यों गए? सुनेंगे आप, इमाम हसन कहते हैं, भैया हुसैन अरे देख नहीं रहे हो, अम्मा का कातिल सामने खड़ा है, मैं अपनी मां के कातिल को अपनी आंखों से नहीं देखना चाहता, मुझे मां याद आ जाती है, मां का शिकस्ता पहलू, मां का मोहसिन, मां का लहूलुहान बदन। हां आपने सुन लिया, औलाद कभी मां बाप के कातिल को देखना पसंद नहीं करती लेकिन कहूंगा आका हसन अरे जरा करबला में आ जाइए,
पर है। जब भी नजर उठती है सामने शिमर दिखाई देता है, शायद आवाज दी हो सकीना ने, ए शिमर मैं तुझे देखती हूं, मुझे बाबा का सूखा गला, तेरा खंजार और नैजे पे सर दिखाई देता है, ए शिमर मैं तुझे देख के बाबा को नहीं बुलावा भी। لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد। परवरदिगार हम सब के आका और मौला के जहूर में ताजील फरमा। परवरदिगार जनाब सैयदा पे जुल्म ढाने वालों को शदीद अजाब में मुब्तला फरमा। परवरदिगार जन्नतुल बकी को आबाद फरमा। इस मुकद्दस बारगाह को वीरान करने वाली कौम पे अपना अजाब नाजिल फरमा। परवरदिगार हम सबको मैदान महशर में सैयदा आलमियान की शफात नसीब फरमा। परवरदिगार जो मोमिनीन और मोमिनात बीमार हैं उन सभी को शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। परवरदिगार हम सबको आकिबत बखैर फरमा और जनाब सैयदा की अजादारों में हम सबको शुमार फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।